हेलो एंड नमस्कार गाइस, वेलकम वेलकम वेलकम। आप देख रहे हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी प्रेडिक्शन फॉर टुमारो गाइस। कल के लिए बात करेंगे, थर्सडे एक्सपायरी डे। जी हाँ, थर्सडे एक्सपायरी डे है हमारे लिए स्पेशली, एंड 12 तारीख है गाइस। तो अब क्या काले बादल छटने वाले हैं या फिर बड़ी गिरावट आने वाली है? तो सबसे पहला काम चैनल को सब्सक्राइब करना है, जो कि आप नहीं करते। वीडियो को लाइक करना है। ऑपरेटर स्ट्रेटजी, जी हाँ, ऑपरेटर स्ट्रेटजी में आज मैंने बहुत ही ज़्यादा बढ़िया बढ़िया वाले ट्रेड मिले ऑपरेटर के, मतलब बिल्कुल जीरो हीरो वाले, और वो भी मॉर्निंग में ही मिल गए थे। और मैंने आप लोगों को कल के दिन पहले क्या क्या बताया था उसका पूरा डिटेल दूंगा। मैंने आप लोगों को बताया था कि कल बेयर गैंगस्टर आएगा, सीई ट्रैप करने की कोशिश करेगा। ये बात देखो कल के वीडियो में मैंने बोली थी। यदि आप लोगों ने फुल वीडियो देखा होता ईमानदारी से, तो आपको शायद ये पहले ही पता चल जाता कि ऑपरेटर ने कैसा आपको ट्रैप किया। तो सबसे पहले हम कर देते हैं निवेदन, चैनल के सब्सक्राइबर बहुत कम है। यदि आप वीडियो देखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यस आई एम सब्सक्राइब्ड, जरूर कमेंट करें। मुझे थोड़ा सा बल मिलेगा, मुझे थोड़ा सा उत्साह मिलेगा कि मैं आपके लिए काम कर सकूं। ओके एंड टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। ऑपरेटर स्ट्रेटजी के बहुत सारे सिग्नल हम शूट करते हैं, आप जाके चेक कर सकते हैं विथ प्रूफ के साथ कि एंट्री कहाँ करी, एग्जिट कहाँ करी है ऑपरेटर की। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। अब बात करते हैं आज के। तो सबसे पहले कल के दिन हम लोगों ने आप लोगों को बोला था, क्या बोला था पहले नोट कर लीजिएगा, क्या बोला था कि 1 आवर की टाइम फ्रेम पर निफ्टी में, ये है मेरा ऑपरेटर स्ट्रेटजी का टूल। जी हाँ, ऑपरेटर स्ट्रेटजी का टूल। और इसने हमें क्लियरली बता दिया था कि 6 सितंबर को कि बॉटम ऑफ द लेवल बन चुका है, और 9 सितंबर के बाद खरीदारी आप कर सकते हो तकरीबन फाइनली सिग्नल आते हुए। और 9 सितंबर के बाद धमाकेदार तेजी होती हुई और निफ्टी तकरीबन क्लाइम करके आ चुकी है। ध्यान से देखो, ये वाली तेजी हमारे हाथ में थी, और पहले से गिरावट जो हुई है वो भी हमारे हाथों में थी तकरीबन, बट वो साइडवेज एक चैनल के दौरान हुई थी, और वो बहुत टेक सम टाइम लेने के बाद हुई थी। तो हालांकि वो इंट्राडे में पकड़ में आ गई थी। ठीक है, तो अब बात करते हैं कल के दिन हमने आप लोगों को बोला था कि ये एक चार्ट पैटर्न बनता हुआ नजर आता है निफ्टी पर। ये सिंपल सी बात है, और ये चीज आप लोगों को भी समझ में आ रही होगी। ये वाला एक चार्ट पैटर्न, 1 2 3, 1 मतलब ऊपर का टॉप बन चुका था, ध्यान से देखो, 2 मतलब सेकेंड टॉप बना था, 3rd मतलब ये देखो रिजेक्शन। तो ये बात तो मैंने कल ही बोल दी थी कि मार्केट आपको चॉप करने की कोशिश करेगा, चॉप 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 स्टिक। तो जोन आपको चॉप जोन देखने को मिला है पूरी तरीके से। तो कल क्या इस चॉप जोन को तोड़ने की कोशिश करेंगे हम लोगों, एक एक बड़ा सवाल है, क्योंकि आज शाम को 6 बजे करेक्ट तकरीबन 5 से 10 मिनट बाद, ध्यान से देख लीजिए, अमेरिका में यूएसडी के कोर सीपीआई नंबर के डेटा आते हुए नजर आएंगे, और वो डेटा 5 महज 5 मिनटों के बाद आएंगे, और इसका इम्पैक्ट डाउ जोन्स पे आएगा, और डाउ जोन्स का इम्पैक्ट हमारी गिफ्ट निफ्टी पर आएगा। पॉजिटिव या नेगेटिव, तलवार अभी लटकी हुई है, सिंपल सी बात बोलूंगा। और मैंने यही बात लोगों को शब्दों में बोली थी, तलवार लटकी हुई है, कल गैप डाउन या गैप अप बड़ा वाला, दोनों ही झटके बड़े होंगे, ध्यान से नोट कर लीजिएगा। तो आप लोगों ने क्या कॉल लिया है, क्या पुट लिया है, मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करना है। तो सबसे पहली कंडीशन, हम ने आज के दिन क्या किया, तो सबसे पहले निफ्टी के बारे में बात करें। तो देखो, निफ्टी में सबसे पहला 5 मिनट पर मुझे सिग्नल जो मिले इंट्राडे में, मतलब आपको ये वाला ऑपरेटर स्ट्रेटजी का जो टूल था, बस आपको ऐसा चार्ट को ओपन करके बड़ा करके ऐसा छोड़ देने का था, सिंपल। और यहाँ से जैसे कि 9:15 से हम स्टार्ट करते, तो आज सुबह खुलते से ही ध्यान से देख लीजिए, 9:20 पर आप डेट एंड टाइम नोट कर सकते हो विथ स्क्रीन शॉट विथ फुल प्रूफ के साथ, कि ध्यान से देख लीजिए, हमारा ब्लू बायर जोन एरिया था। क्या ब्लू बायर जोन एरिया था? तो ये बाइंग सिग्नल था हमारा, ध्यान से देख लीजिए, विथ प्रूफ के साथ बता रहा हूँ, ये था बाइंग सिग्नल कि बाय करना है 9:20 पर। 9:20 की कैंडल पर यदि 9:25 पर भी आप बाय करते निफ्टी को, तो 25,000 की कॉल थी, और वहां से निफ्टी क्लाइम करती हुई तकरीबन एक बार पूरी तरीके से 25,100 तक आती हुई नजर आई, और इसके हमने जीरो हीरो ट्रेड करने की कोशिश करी है। ठीक है, उसके बाद से चॉप चॉप ट्रेंड देखने को मिला धीरे धीरे करके, बाय ऑन मतलब अप करने की कोशिश कर रहा था मार्केट। तो जो मैंने को कल क्या बोला था, ऊपर से मार्केट सेलिंग प्रेशर लाएगा, तो वही चीज देखने को मिली, 25,100 के लेवल पे सेकेंड रेजिस्टेंस बना हमारा आज का,
और ये ट्रेंड कटता हुआ नजर आया, ये वाला इस तरीके का ट्रेंड कटता हुआ नजर आया, जिसके कारण हम लोगों को लग रहा है कि मार्केट सेल गिरता हुआ नजर आया, ठीक है। और ये वाला सेलिंग सिग्नल मिला था क्या? बिल्कुल, 12:25 पर सेलिंग सिग्नल मिला कि सेल करना है निफ्टी को और पुट साइड एंट्री बनानी है। तो हमने निफ्टी के पुट साइड एंट्री बनाई, और ध्यान से देखिए सबसे पहले काम तो ये है, 12:25 का सिग्नल कि सेल करना था निफ्टी को 100% और पुट साइड लेना था। 16 रुपए का प्रीमियम था, देख ही सकते हैं 12:40 पर कौन सा वाला प्रीमियम था, 24,900 की पुट थी, 16 रुपए की थी, और 16 रुपए की ऑप्शन वहां से ध्यान से देखते जाइए परफेक्टली प्रूफ के साथ कि ऑप्शन में भी सिग्नल मौजूद था। यहाँ पर देख लीजिए बॉटम में भी बाइंग सिग्नल था कि बोले राकेश जी आपके पास प्रूफ अवेलेबल है प्रैक्टिकल के हिसाब से, है ना। और बैंक निफ्टी पर भी सेलिंग का सिग्नल है, निफ्टी पर भी सेलिंग का सिग्नल है, और कॉल ऑप्शन खरीदना कहाँ है और बेचना कहाँ है, बेचने का सिग्नल ऑलमोस्ट हमारे पास एक बार आ चुका था 14:10 पर, और 14:45 पर फाइनली बेचकर निकल जाना था यहाँ पर मुझे। तो गाइस सेकंड हमको सिग्नल मिलता है, सेकंड सिग्नल मिला ध्यान से देखिए बैंक निफ्टी का, और ये बैंक निफ्टी का सिग्नल यहाँ पर देखने को मिलता है। बैंक निफ्टी 262 अंकों के साथ फॉल करता है, और इसका तो बहुत ही जबरदस्त फॉल था, और इसमें भी बाइंग का सिग्नल सुबह खुलते से ही 9:20 पर बाइंग का सिग्नल आया, कॉल ऑप्शन में बहुत बढ़िया ट्रेड बने हमारे, एंड सेकेंडरी 10:35 पर सेलिंग का सिग्नल जनरेट हुआ विथ प्रूफ के साथ। आप चेक कर सकते हैं कि रेड लाइन एंड ब्लू लाइन का फॉर्मूला है हमारा, कि ये ब्लू लाइन के नीचे बाइंग सिग्नल था और रेड लाइन के अबोव सेलिंग का सिग्नल था हमारा, और इस तरीके से ऑपरेटर ने दिया ट्रेड और वहां से पुट ऑप्शन आया जोरदार तरीके से। तो 50,900 की पुट, जी हाँ 50,900 की पुट में और 51,000 की पुट में तकरीबन प्रीमियम थी, ध्यान से देख सकते हैं वहां पे बाइंग सिग्नल था 10:30 प्रीमियम थी तकरीबन 9.65 रुपए, और वहां से क्लाइम करती हुई तकरीबन 150 रुपीज अचीव करती है विद प्रूफ के साथ। अब चेक कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी अवेलेबल है टेलीग्राम चैनल पर, और ये वीडियो के रूप में भी आपको मैं दिखा रहा हूँ कि एंट्री कहाँ करनी और एग्जिट कहाँ करनी, और बैंक निफ्टी ने भी हमको ऐसा ही दिखाया कि सेलिंग का ही सिग्नल है, और यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग का बारे में बताया कि यहाँ पर आप निकल सकते हैं फाइनली। ओके, तो अब कल क्या होगा सिंपल सी बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर यूएस मार्केट अभी लाइव, यदि मैं बात करूँ तो तकरीबन यहाँ पर 100 पॉइंट माइनस दिखाई दे रहे हैं। और गाइज एक ब्रेकिंग न्यूज बता रहा हूँ ध्यान से, यदि आप नोटिस करोगे तो मैंने कल आपको एक चार्ट पैटर्न सेटअप बताया था डाउ जोन्स पर। डाउ जोन्स का जो ट्रेड है ध्यान से देख लीजिए, बिल्कुल इस तरीके से दिखाई दे रहा है, और यहाँ पर एक सपोर्टिंग स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा। कल यदि इस सब आज शाम को यदि इस सपोर्टिंग स्ट्रक्चर में एक बड़ी तेजी देखने को मिलती है, 100 पॉइंट माइनस है लाइव अभी, और कुछ चंद मिनटों के बाद डेटा आने वाला है, ध्यान से देख लीजिए, मात्र 1 मिनट बचा है, डेटा पे भी देख सकता हूँ, तो 23 सेकंड बचे हैं, और देख लो इस 23 सेकंड के लिए वीडियो की रिकॉर्डिंग में रोक लेता हूँ 15 सेकंड अब। तो गाइज यहाँ पे डेटा आने वाला, और डेटा नेगेटिव तकरीबन नेगेटिव 134-150 देखने को मिल रहा है तुरंत यहाँ पर। तो ध्यान से देखिए गाइज, डेटा ऑलमोस्ट आ चुका है, तकरीबन समय हो चुका है पूरा, और डेटा हम लोगों को देखने को मिल रहा है, ये डेटा इन्फ्लेशन डेटा आ चुका है, सीपीआई मंथली और ईयरली सीपीआई डेटा हमको दिखाई दे रहे हैं लाइव। तो यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना है, एंड गुड न्यूज़ कि मार्केट में यहाँ पर एक रिकवरी देखने को मिल रही है, एंड बायर एंड डिप की स्ट्रेटजी के साथ यहाँ पर बायर दिखाई दे रहा है, फिलहाल 236 पॉइंट माइनस है, और आज शाम को 7 बजे खुलने के बाद बाकी चीज़ें क्लियर होती हुई नजर आएगी। और यदि मान लेते हैं कि अब यहाँ से यदि तेजी आती है तो तकरीबन 300-400 अंकों की तेजी आने की कोशिश करेगा, 500 पॉइंट तक तेजी आ सकती है यहाँ पर एक्सपेक्टेड, कम से कम के बारे में बात करूँगा, अधिक से अधिक तो यहाँ पर दबाव रहेगा ही रहेगा। एंड इसके बाद यदि निकलने का एक मौका यदि मिलता है तो एक बड़ी तेजी हमारे लिए ऑलरेडी इंतज़ार कर रही है। तो कल के लिए एक्सपेक्टेशन तो फ्लैटिश टू गैप अप ही है फिलहाल के लिए, तो हम लोग इंतज़ार करेंगे। और गिफ्ट निफ्टी हमारी लाइव कितनी चल रही है चेक कर लेते तुरंत ही, गिफ्ट निफ्टी तकरीबन 24,938 चल रही है, एंड इस सिग्नल पर यदि मैं सिग्नल की बात करूं तो एग्जैक्टली मेरे पास अभी बाइंग का सिग्नल है बॉटम ऑफ द लेवल पर 30 मिनट्स का, कि 30 मिनट्स में निफ्टी का बाइंग सिग्नल है। तो यहां पर आई होप करता हूं कि यहां पर एक डाइवर्जन बनता हुआ नजर आएगा, और गिफ्ट निफ्टी अभी जो लाइव है मेरे सामने नेगेटिव यहां से पॉजिटिव होती हुई नजर आएगी इस चैनल के लिए, मतलब कल 25,100 एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो
तो आपने कॉल लिया या पुट लिया, मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करना है। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना है। कल